वेलकम टू आईसीएससी 10. सो दिस इज आद्रिका एंड आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मतलब तुम अपने कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड्स में. ठीक है, तो जैसे कि तुम्हारा जो कंप्यूटर्स का पेपर होता है वही एक सिर्फ ओनली वही तुम्हारा सब्जेक्ट है जो कि 100 मार्क्स का होता है. ठीक है, मतलब उसमें 100 मार्क्स का होता है, जिसमें तुम्हारी 40 मार्क्स की थ्योरी एंड 60 मार्क्स की प्रोग्रामिंग होती है. तो कैसे मतलब आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो कि थ्योरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर मतलब प्रोग्रामिंग में कौन कौन से प्रोग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिससे तुम पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो. ठीक है, मतलब वो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. अब जैसे जो तुम्हारे 40 मार्क्स की थ्योरी आती है तो उसमें तुम्हारे सब ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर्स होते हैं और जिससे तुम्हें अपनी थ्योरी तैयार करनी पड़ती है. अब अगर तुम्हारे पेपर की बात करें तो उसमें तुम्हारे MCQs वगैरह आते हैं, बाकी जावा एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस, कोडिंग वाले कोड फिक्स करना होता है जिसमें तुम्हें, या एरर वाले क्वेश्चन जिसमें एरर आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है, और MCQs हो गए, और अब तो इस साल तुम्हारे साथ assertion reason वाले क्वेश्चंस भी MCQs में इंक्लूड कर दिए गए. तो assertion reason वाले क्वेश्चंस तभी अच्छे से हो सकते हैं जब तुम्हारी कोड वो सॉरी थ्योरी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो. ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा उसके लिए. और मतलब अगर तुम्हारी प्रोग्रामिंग कहीं पे लैग कर रही है इतना अच्छा तो मतलब assertion reason वाले क्वेश्चन तुम तभी अच्छे से कर सकते हो जब तुम्हारी थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर हो, मतलब तुम्हारी एक लाइन अच्छे से पढ़ी हुई हो, तभी तुम assertion reason वाले क्वेश्चन करोगे. और मतलब तुम्हारे स्पेसिमेन में एक नहीं कम से कम दो assertion reason वाले क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो assertion reason वाले क्वेश्चन यानी इस बार तुम्हारे पेपर में आएंगे. ठीक है, तो वो तभी अच्छे से हो पाएंगे जब तुम्हारी थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर होगी. अब थ्योरी के लिए देखे जाए कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्योरी के लिए तुम्हारे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट उसमें चैप्टर जो आता है वो है रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस, जो कि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है. वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के उससे भी और तुम्हारे प्रोग्रामिंग के उससे भी. बट थ्योरी के लिए तुम्हारे जो चैप्टर्स पहले बता रही वो है रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस, फिर सेकेंड चैप्टर जो तुम्हारा स्ट्रिंग वाला. ठीक है, और थर्ड चैप्टर तुम्हारा एरे. मतलब ये जो थ्री चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर थ्योरी, और इसकी थ्योरी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से. एक ही चीज़ इसमें देखो, जो तुम्हारा रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस है उससे तुम्हारे जो जावा एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सब तो उसी से बनते हैं ना. तो इसलिए रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस को तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो ताकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे. और मतलब थ्योरी में जो तुम्हारी जो चैप्टर्स है उसमें जो डिफरेंसेस दिए हैं और डेफिनेशंस दिए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि उसमें वो सब चीज़ें गलत ना हो. अब और अगर बात आप प्रोग्रामिंग की करें तो प्रोग्रामिंग तुम्हारी 60 मार्क्स की होती है जिसमें तुम्हें 4 प्रोग्राम्स अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 6, और तुम्हारे 15-15 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, मतलब 60 मार्क्स का टोटल अमाउंट तुम्हें प्रोग्रामिंग का सेक्शन आता है. तो उसमें तुम्हें प्रोग्रामिंग में भी कुछ ये अगर तुम कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे से करोगे तो मतलब उसमें तुम्हारे मार्क्स अगर अच्छे आ गए तो प्रोग्रामिंग में तुम अच्छा स्कोर कर लोगे. ठीक है, आज उन प्रोग्राम्स की भी हम बात करेंगे. तो अगर तुम प्रोग्रामिंग के लिए टेस्ट हो तो मतलब उसके लिए तुम्हें टेस्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जो अभी तुम्हें प्रोग्राम्स बताने वाली हूँ ना वही बहुत ज़्यादा अच्छे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम उन्हें अच्छे से कर लो तो तुम्हारे प्रोग्रामिंग का बिल्कुल सब सॉल्व हो जाएगा और उसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी. ठीक है, तो पहले जो प्रोग्राम है तुम्हारा हर साल एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम ज़रूर आता है. तो डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम और बहुत ईजी होता है उसको लिखना. तुम मतलब थोड़ा सा लास्ट ईयर के PYQs निकाल के देख लो और तुम्हें उसमें डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम भी दिखेंगे, सब में दिखेंगे ऑलमोस्ट. तो तुम उसे एक बार प्रैक्टिस कर लो या उसके सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देख कर उसको प्रैक्टिस कर लो. तुम्हें देख कर प्रैक्टिस करने से ही वो आ जाएंगे और बहुत ईजी होते हुए तुम अच्छे से कर सकते हो. तो एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम अच्छे से उसे लिखना सीख लो. ठीक है, उसको तुम लिखना सीख लोगे. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम तुम्हारे आते हैं वो तुम्हारे एरे वाले प्रोग्राम से. एरे वाले कौन से प्रोग्राम्स? एक हो गया बबल शॉट, लीनियर शॉट, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च. ये 4 प्रोग्राम्स बिल्कुल एकदम ऑन द टिप्स कर लो, क्योंकि ये एक तरीके से इनमें ज़्यादा थोड़ा ही बहुत लॉजिक लगना होता है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सिर्फ ऐसे थोड़ा बहुत लॉजिक लगता है, बाकी सारे मतलब फॉर्मेट पूरा सेम रहता है. ठीक है, एक बार उसका सिंटेक्स ही अच्छे से तुम पढ़ लोगे ना तो तुम्हें थोड़ा याद उसको कर लोगे तो हो जाएगा उसको. ठीक है, तो इसलिए ये एरे वाले जो प्रोग्राम्स मैंने तुम्हें 4 बताए इसमें से कम से कम तुम्हारे हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि एक या दो तो एक तो आना ही है. देखो दो भी आ सकते हैं. ठीक है, 4 प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस बार है वो सिलेक्शन शॉर्ट है. ठीक है, इस बात को याद रखना. और मतलब डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम जो मैंने बताया तुम्हें वो वाले प्रोग्राम्स जिनमें टेबल वाले प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वाले प्रोग्राम्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, और उन्हें एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, मतलब मेथड्स दिए होते हैं, वेरिएबल्स दिए होते हैं, और उन्हीं का यूज़ करके तुम्हें प्रोग्राम बनाना होता है. मतलब तुम्हारे पूरा उस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन होता है दिया रहता है. ठीक है, और उसी का यूज़ करके तुम्हें पूरा प्रोग्राम फॉर्म करना होता है अपना. तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वो ईजी होता है. फिर जो थर्ड नंबर के प्रोग्राम्स हैं वो है स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम. स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम जो उसमें जैसे स्ट्रिंग के बेसिक प्रोग्राम्स जो है नंबर ऑफ वॉबल्स काउंट करना, नंबर ऑफ वॉबल्स काउंट करना, ठीक है, और मतलब वर्ड को रिवर्स करना, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना. तो इसके जो बेसिक प्रोग्राम्स है स्ट्रिंग के,
तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये जो तीन मैंने तुम्हें प्रोग्राम से बताएं, एक पहले डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम, और दूसरे पहले तुम्हारे एरे वाले प्रोग्राम्स, बबल शॉर्ट वाला प्रोग्राम, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन शॉर्ट, ठीक है। सिलेक्शन शॉर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहली बार बता दिया, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है इस बार। फिर उसके बाद थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले कौन सा बताया मैंने, स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम, स्ट्रिंग के बेसिक प्रोग्राम्स। तो ये जो थ्री प्रोग्राम्स मैंने बताया, थ्री प्रोग्राम्स से ज़्यादा प्रोग्राम्स है, बट हाँ, इन प्रोग्राम्स को अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारे मतलब थ्री प्रोग्राम्स तो इससे हो ही जाएंगे तुम्हारे कम से कम, ठीक है। और हो सकता है फोर भी हो जाए, आ सकते हैं, प्रॉबिलिटी है आ सकते, तीन तुम्हारे अगर तुम इतना प्रिपेयर कर लोगे तो तुम्हारे तीन प्रोग्राम्स तो आ ही जाएंगे इसके, ठीक है। बाकी जो और प्रोग्राम्स होते हैं वो तुम्हारे फंक्शन ओवरलोडिंग के आते हैं, फिर और जो तुम्हारे प्रोग्राम्स होते हैं वो फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम होता है, और तुम्हारे नंबर वाले होते हैं, जैसे कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पाई नंबर का प्रोग्राम लिखना है, तुम्हें कोई पर्टिकुलर नंबर का प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके के तुम्हारे प्रोग्राम्स आते हैं। बाकी अगर तुम्हें वो तुम कर पाओ तो मतलब अच्छे से कर लो, लेकिन जो मैंने तुम्हारे प्रोग्राम्स बताए हैं तो अगर उन्हें ही तुम कर लो ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लेना अगर तुमसे हो पा रहा है तो, वरना ये बेसिक चीज़ें अगर तुम ये कर लोगे तो हाँ, तुम्हारे कंप्यूटर में एक अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि जो प्रोग्राम्स होते हैं तुम्हारे, उसमें हर तुम्हारे टोटल जो होता है, तो जो तुम्हारा प्रोग्राम होता है उसमें तुम्हारे पूरे जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रोग्राम पे, कोडिंग पे, सिंटेक्स पे नहीं होते हैं, ठीक है। वो और चीज़ों पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि तुमने कमेंट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे, ठीक है। कमेंट्स के मार्क्स होते हैं, प्लस तुमने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, तो अगर तुम्हारे प्रोग्राम से कमेंट्स लिखे होंगे तो उस कमेंट्स के तुम्हें मतलब एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और फिर अपना वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, अगर तुमने पूरा हर प्रोग्राम के बाद अपना वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाया होगा तब भी तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने प्रोग्राम में कभी भी तुम कमेंट्स और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के बिना बनाना ही नहीं, लिखना नहीं, ठीक है। तो उसे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल और कमेंट जरूर लिखना। कमेंट्स भी मतलब जो थोड़े बेसिक कमेंट्स होते हैं, तो अपनी बुक उठा के देख लो यार, बुक में तुम्हारे छोटे छोटे कमेंट्स लिखे हैं, जैसे अगर क्लास एंड हो रही है तो एंड ऑफ मेन क्लास, या कुछ भी ऐसे करके तुम प्रोग्राम अपने कर रहे हो उसी को बस तुम अपने वर्ड्स में लिख के और आगे स्लैश लगा देना उसमें, ठीक है। तो वही तुम्हारे कमेंट्स हो जाएंगे। और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल में क्या होता है, वेरिएबल्स जो तुमने अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करे होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, उनका डेटा टाइप वगैरह लिखना होता है और थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे तुमने कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, और उसे तुमने एज लूप वेरिएबल लिया तुमने, तो तुम्हें उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा यूज़ एज अ लूप वेरिएबल, ठीक है। तो जो तुमने उसे यूज़ करा अपने प्रोग्राम के अंदर वो उसका यूज़ लिखना है, मतलब उसका वही डिस्क्रिप्शन हो गया और उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो ये जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले चैप्टर्स बताए थे अभी, तो वो चैप्टर्स मतलब एमसीक्यूज में जो एमसीक्यूज आएंगे वो तो सभी चैप्टर्स आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा बनता है, ठीक है, इनका वेटेज ज़्यादा होता है। फिर जो तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट वाला क्वेश्चन आता है, एरर वाला क्वेश्चन आता है, कोड फिक्स करने वाला क्वेश्चन आता है, जावा एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका इन क्वेश्चन को करने का वो ये है कि तुम लास्ट ईयर के PYQs उठाओ एंड PYQs से इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही आते हैं, इनका कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है, ठीक है। और प्रोग्राम्स के लिए मैंने तो बता दिया कि इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा अच्छे से कर लो, और बाकी भी एक बार तुम अपने प्रोग्राम्स उसे प्रैक्टिस करो, देखो एक बार, लेकिन ये वाले प्रोग्राम्स को ज़रूर से ज़रूर करके जानो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। बस हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही पढ़ते रहो, और कुछ वीक्स के बाद तुम्हारी डेट शीट भी आ जाएगी, फिर उसमें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, और फिर टेंशन फ्री होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो और सब अच्छा होगा, ठीक है। फिर तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने।